कभी कभी मैं सोचता हूँ कितने अच्छे थे हम लोग जब हम लोग आदिमानव थे। वो समय जब इंसान खुद के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता था, वो समय जब इंसान वास्तव में एक पशु के समान ही था। जिस तरह से पशु पक्षी अपनी ज़िंदगी अलग से जीते हैं, कुछ इसी तरह की ज़िंदगी हम जीते थे। उठना, बैठना, खाना, पीना, जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अलग था कि हम दो पैरों पर चलते थे, और उसके अलावा हमारी बाकी हरकतें भी कुछ औरों से अलग थी। हम शायद सोच सकते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस समय सोचने का मतलब क्या समझा जाता था। दुनिया डेवलप करती गई, हम लोग आगे चलते गए, और आज का एक समय है जब इस चीज़ को मैं दुनिया के सामने रखते हुए महसूस करता हूँ कि आज के समय में जिस स्थिति में हम हैं, बेहतर होता कि हम आदिमानव होते, जहाँ पर न जाति पाति होती, जहाँ पर अगर जाति पाति का अंतर अगर हटा भी जाता था तो धर्म संप्रदाय की कोई बात नहीं होती, कोई प्रोफेशनलिज्म उस तरीके का नहीं होता कि ये हायर रैंक के हैं, ये छोटे रैंक के हैं। डिफ्रेंसिएशंस के वो जितने भी तरीके हैं, मेल फीमेल, उच्च जाति निम्न जाति, उच्च पद निम्न पद, हाई पेड हाईली पेड, लो ग्रेड, अच्छा काम बड़ा काम छोटा काम, मतलब किसी भी तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन जहाँ पर नहीं था। जहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जितने कम थे, हमारे दिमाग में सोचने के लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं थी। वी आर मोर फोकस्ड ऑन आवर लाइवलीहुड ओनली। खाने के लिए बस ध्यान था, सुबह से उठे तो खाने का ध्यान है, सोने का ध्यान है, कहीं रहने का ध्यान है। उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी कि खाना है तो यही खाना है, सोना है तो ऐसे ही सोना है, रहना है तो यही रहना है। आप कभी सोच के देखिए, ये दिखने में बात बहुत छोटी है, लेकिन सचमुच यदि इसको हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि इफ विलियम जेम्स हैज सेड दैट वी ऑल आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी, और इसी मेंटल एनर्जी को पॉजिटिवली इन्वेस्ट करके कोई आइंस्टीन बन जाता है, कोई विवेकानंद बन जाते हैं, कोई महापुरुष बन जाते हैं, और कोई एक आम आदमी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान पे ही अटक के अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ छोटे प्रश्न उठें जिन प्रश्न के ऊपर हम जस्ट विचार करें, क्योंकि ये सचमुच एक ऐसी चीज़ है जो अगर ब्रह्मा भी किसी को समझाने आ जाए तो कोई नहीं समझ सकता जब तक तो वो खुद से खुद ही नहीं समझ सकता। लकी हैं हम जिन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, जहाँ पे प्रीचिंग इज़ नॉट आवर मोटिव, अदर इट्स लाइक अ हम्बल शेयरिंग कि कुछ ऐसा भी हो सकता है ज़िंदगी का स्वरूप यदि हम उसे इस तरीके से देखने और समझने की कोशिश करें। चलिए सोचते हैं कितना बेहतर होता कि हम सभी आदिमानव ही होते।